हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस चैनल पे, केमिस्ट्री बाय डेरिक भंडारी पे। बहुत दिनों के बाद फिर से मैं एक बार आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिस जो आपको इस साल 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इस साल जो हमारा लॉकडाउन जो था, इसकी वजह से हमारे क्लासेस जो थे वो ऑनलाइन चले हैं। और रिगार्डिंग टू दैट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बहुत सारे बच्चे को थोड़ी बहुत दिक्कत आई ही है। तो बहुत सारे बच्चों को नेटवर्क इशू भी हो रहा था, साथ साथ में पढ़ाई में भी प्रॉब्लम हो रहा था। कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते थे या फिर उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल बहुत सारे बच्चे की कंप्लेंट मुझे ये भी मिली है कि सर, हमारा प्रिपरेशन अच्छी तरह से नहीं हुआ है। और क्योंकि इस साल अकॉर्डिंग टू द CBSE बोर्ड, उन्होंने ऑफिशियल SQP जो है हमारा, उसके रिगार्डिंग उन लोगों ने बताया कि इस साल जो हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर जो होने वाला है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत ही देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि असर्शन रीजन है, या फिर 1 मार्क क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, राइट, जैसे कि 5 मार्क्स क्वेश्चन है। तो कौन कौन से टॉपिक में कितने इंपॉर्टेंस है, वो भी वेटेज जो है हमें मिल गया है। तो अकॉर्डिंग टू डेट मैं आज आपको बात करूंगा कि कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी इस साल बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर। तो सबसे पहले उन बच्चों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो स्कोर करना चाहता है 60 प्लस अप, यानी कि आउट ऑफ 70 दे वांट टू गेन 60 अप मार्क्स, तो वो बच्चों को सारा का सारा टेक्स्ट बुक्स जो है फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि असर्शन रीजन ऐसी थियरी है जिसके अंदर आपको पूरा थियरी पढ़ना पड़ेगा, और पूरा थियरी पढ़ने के बाद ही आपको जो असर्शन है, रीजन है, वो आप समझ पाओगे, राइट। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट यही है कि सबसे पहले आपको फोकस करना है असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि वो जो है अकॉर्डिंग टू सैंपल क्वेश्चन पेपर वो 9 मार्क्स का आपको आ सकता है। तो जो भी बच्चे 60 के अप कवर करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, असर्शन रीजन आपको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे उसका असर्शन है, असर्शन के अकॉर्डिंग उसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, रीजन है कि नहीं है, तो वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से करना पड़ेगा, तभी जाके आपके ये जो 9 मार्क्स है वो आपको कवर कर पाएंगे। दूसरा मैंने बोला है कि जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती रहती है, राइट, तो उन बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस जो है, कन्वर्जेंस प्लस केमिकल टेस्ट होगी, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जैसे आपको करनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि हमारा पार्ट 2 है, उसमें से 2 चैप्टर्स जो थे हमारे 15 एंड 16 दोनों ही निकल गए हैं, यानी कि एंटायर चैप्टर जो है वो निकल गए हैं 15 16। तो आपके पास सिर्फ 4 चैप्टर्स है पार्ट 2 में से, जैसे कि चैप्टर नंबर 10 11 12 एंड 13, राइट, और 14 बायोमोलिक्यूल्स। तो ये चैप्टर्स में से आपको बहुत सारे कन्वर्जन्स और केमिकल टेस्ट है जो आपको करना पड़ेंगे। अब मैं बात करता हूँ केमिकल टेस्ट के बारे में। तो आप लोगों ने अभी स्कूल्स रीओपन हुए हैं, तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स तो परफॉर्म किए ही होंगे। तो वो केमिकल्स टेस्ट जो है वो आपको ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल्स भी आपने बहुत सारे, जैसे अल्कोहल है, फिनोल्स है, ईथर है, राइट, तो उनकी केमिकल टेस्ट आप लोग कीटोन है वो परफॉर्म करते ही होंगे। तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आने की आपकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन जो कन्वर्जन्स है, तो कन्वर्जन्स को कैसे याद रखें, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कन्वर्जन्स में आपको कहाँ से पढ़ना है, बहुत सारे बच्चों को होगा कि सर, कन्वर्जन्स अगर टेक्स्ट बुक के बाहर का होगा तो हम क्या करेंगे। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी आपके इंडेक्स क्वेश्चन होंगे या फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे, उसी में से आपको कन्वर्जन्स आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। और जो कन्वर्जन्स आपके एक्सरसाइज में जो है, वो एक्सरसाइज वाले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, राइट। दूसरी बात आती है मैकेनिज्म्स की। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है बच्चों कि जो भी मैकेनिज्म आपकी इंटेक्स में होगी, यानी कि जो क्वेश्चन हमारे NCERT टेक्स्ट बुक्स जो है उसके सिलेबस में जितनी भी मैकेनिज्म है, उतनी मैकेनिज्म आपको करनी होगी, क्योंकि वही मैकेनिज्म आपको 110% आ सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक है जिसको हमें अच्छी तरह से करना होगा। वैसे तो पूरा ही पढ़ना है, लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं या फिर उनको अभी जैसे फास्ट रिवाइज करना है, तो कौन से टॉपिक आप बढ़िया से करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, पहले बात करते हैं हम सॉलिड स्टेट्स के बारे में। तो सॉलिड स्टेट्स में आप जानते हैं कि लैटिस जो था हमारा 14 ब्रेविस्ट लैटिस, उसमें से हमने पैकिंग एफिशिएंसी FCC, HCP,
राइट। और सिंपल क्यूब वो हमने तीन किए थे, बॉडी सेंटर्ड था राइट, BCC। तो ये जो थे हमने तीन पैकिंग एफिशिएंसी हमने निकाले हैं, तो वो पैकिंग एफिशिएंसी की थियरी है वो आपको शायद प्रूव करने के लिए आ सकती है। और ये जो क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी आपको पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम बात करें तो MCQ में भी आने की पॉसिबिलिटी है, जैसे कि मान लो कि HCP में पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, HCP में कितना होता है, BCC में कितना होता है, राइट, सिंपल क्यूब में कितना होता है, तो ये चीज़ें आपको MCQ में आ सकती है राइट। फिर ये आपको याद कैसे रखना है इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको दिखाऊंगा, शॉर्टकट्स कैसे याद रखें वो आपको बताऊंगा। तो इसके ऊपर से हमें न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस भी ज़्यादा है, तो सॉलिड स्टेट में से आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी। फिर डिफरेंसेस है जैसे कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, एमोरफोस सब्सटेंस है राइट, उसमें से भी असर्शन रीजन आ सकते हैं, जैसे एनिसोट्रॉपी है, आइसोट्रॉपी है, वो सारी चीज़ें भी सॉलिड स्टेट में से आ सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है मुझे यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी और न्यूमेरिकल्स की लगती है राइट। फिर हम बात करते हैं सेकंड हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है नर्न्स इक्वेशन एंड कोलरोस लॉ। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू CBSE एंड NCERT हमें जो दिया है, तो ये चैप्टर में से इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही आएंगे और साथ में थियरी भी आ सकती है, तो वो होगा हो जाएगा हमारा 5 मार्क्स के हिसाब से। फिर बात करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, तो केमिकल काइनेटिक्स में से आपको ऑर्डर, मोलेकुलरिटी, रेट लॉ क्या है उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। और साथ में इस चैप्टर में से जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो होगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर एंड हाफ लाइफ के जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, तो इसके फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके ऊपर से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको 4 to 5 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं और साथ साथ में 1 मार्क्स में भी इसके इक्वेशंस है वो भी आपको आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। फिर ये जो है ऑर्डर और मोलेकुलरिटी उसका डिफरेंस क्या है वो भी आपको आ सकता है, तो ये चैप्टर में से ये ज़्यादा चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, जो कि बच्चों को पहले से ऑलरेडी समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छी तरह से ये चैप्टर्स क्लियर कर रखा होगा। अब बढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर। तो मालूम है जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरफेस केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा राइट, क्योंकि बिना पढ़े आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि दूसरे चैप्टर्स के कंपैरिजन में ये जो हमारा चैप्टर है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई ही करनी है। पढ़ाई के अलावा, रीडिंग के अलावा आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे राइट, क्योंकि कोई भी यहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं है राइट, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे से मुझे लगता है कि इस चैप्टर में से असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आएंगे राइट। अब बात करते हैं पी ब्लॉक्स की, तो पी ब्लॉक्स में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि CBSE ने 11 मार्क्स का इसे वेटेज दिया हुआ है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि इस चैप्टर में से 8 to 11 मार्क्स तक की क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे हमने 15, 16, 17 and 18 ग्रुप्स जो है हमने इस चैप्टर में कवर किए हैं। तो रिगा अकॉर्डिंग टू दी 70% सिलेबस राइट, आपको कौन कौन से ग्रुप में से क्या क्या डिलीटेड पोर्शन से उसको निकाल लेना है और बाकी की जो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी भी है। फिर बात आती है लेंथेनेट कंस्ट्रक्शन एफ ब्लॉक में से आपको करना पड़ेगा, और जो एक्टेनेट कंस्ट्रक्शन है राइट वो आपको करना पड़ेगा, वो बहुत ही ईजी है, जो आपको एक बार पढ़ लेना है 1 मार्क 2 मार्क्स में ये आ सकता है राइट। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो सबसे ज़्यादा जो आपको कन्वर्जन्स आएंगे वो आएंगे हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स यानी कि चैप्टर नंबर 10 में से। तो बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स है जो मेरे पास है, मैं आपको फ्लो चार्ट भी दूंगा ये ऑर्गेनिक चैप्टर्स जो होंगे इसके रिगार्डिंग। तो आपको फ्लो चार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर मैसेज कीजिए या फिर मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको ये जो कन्वर्जन्स है वो आपको मिल जाएंगे राइट। फिर बात करते हैं हमारा पार्ट वन में लास्ट चैप्टर जो यहाँ पे रह गया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो है आइसोमेरिज्म, फिर वैलेंस बॉन्ड थियरी और IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर आपको 2 to 3 मार्क्स में आ सकते हैं। वैलेंस बॉन्ड थियरी के रिगार्डिंग आपको क्या प्रूव करना होगा कि वेदर द एलिमेंट इज कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, वो आपको प्रूव करना आएगा राइट। तो वो कैसे प्रूव करना, तो वैलेंस बॉन्ड थियरी के रिगार्डिंग आप प्रूव कर सकते हैं। फिर 1 मार्क्स में आ सकता है यहाँ पे आइसोमेरिज्म में 2 टाइप्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, एक तो ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म एंड दूसरा है हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमराइजेशन
राइट। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरह से कवर अप करनी पड़ेगी। और अगर बात करें हम इधर IUPAC नॉमेनक्लेचर की, तो नॉमेनक्लेचर में आपको कैटायन एनायन वो सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिसके नेम जो है ओरिजिन नेम डिफरेंट है, राइट। जैसे कि हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड के ओरिजिन नेम AUP से ऑरेथ होता है, राइट। फिर सिल्वर का अर्जेंटीनेट, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी पड़ेगी। और साथ में IUPAC नॉमेनक्लेचर में आपको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी फाइंड करना आना चाहिए, क्योंकि रोमन लेटर में हमें वो भी लिखना है। तो ये चैप्टर में से आइसोमराइजेशन, वैलेंस बॉन्ड थियरी और IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और क्योंकि यहाँ से हमें CFT क्रिस्टल फिल थियरी निकल गया है, तो आपको वैलेंस बॉन्ड थियरी जो है उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं बच्चों डिस्टिंग्विश टेस्ट के बारे में, जो कि आप प्रैक्टिकल में तो परफॉर्म करते ही है, लेकिन ये वन मार्क क्वेश्चंस में आ सकते हैं, राइट। तो वन मार्क क्वेश्चन में कैसे आएंगे, जैसे कि टॉलेंस की जैसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट है, फेलिंग सॉल्यूशंस है, फिर कैनिजारो रिएक्शन है वो कौन से कार्बन पे हाइड्रोजन पे होता है, जैसे कि अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन है कि नहीं है, बीटा हाइड्रोजन वाला है कि नहीं, तो उसके ऊपर आपको ये डिस्टिंग्विश टेस्ट कौन कौन सी है वो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। और वो कौन सी करनी है, जो भी आपके सिलेबस टेक्स्ट बुक में है वो ही आपको करना है, उसके बाहर का आपको कुछ भी करना नहीं है। अब बात करते हैं बायोमोलेक्यूल्स चैप्टर्स में, तो इसका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन एक बार अच्छे से देख लो। और ये चैप्टर में से मुझे लगता है कि इस साल जो नया हमारा आया है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, राइट। तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि जैसे कि हमने CBSE का सैंपल पेपर देखा है, तो उसमें ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने की पॉसिबिलिटी है। तो पैसेज बेस्ड में से इस चैप्टर में MCQ भी आ सकते हैं, VSQ भी आ सकते हैं, राइट। फिर पेप्टाइड बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में से आपको देखने को मिल सकती है। तो बच्चों मैंने जैसे आपको बताया कि इस साल जो आपको फोकस करना है सबसे ज़्यादा असर्शन एंड रीजन पे, वो 9 मार्क्स के, तो आपके 9 मार्क्स कम्प्लीटली कवर होने ही चाहिए, राइट। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, असर्शन क्या दिया हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन रीजन में प्रॉपरली दिया है कि नहीं दिया है, बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि ये 1 मार्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर 60 अप, राइट। तो आई होप बच्चों कि आपको इस वीडियो में से बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी, राइट। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो आगे तक देखना है, तो आप हमारा जो चैनल है इसे आप कंटिन्यूसली देखते रहिए, राइट। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी टॉपिक में डिफ़िकल्टी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है 9724913425, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, राइट। और कोई वीडियो ऐसा हो कि जिसका आपको रिक्वायरमेंट हो, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।